बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ये एक मैं नई सीरीज कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस की। ये टोटली बेस होगी हकानी नेटवर्क के ऊपर। हकानी नेटवर्क क्या है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं और ये इतने खतरनाक क्यों हैं और अमेरिका इनसे डरता क्यों है और अमेरिका को इन्होंने कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया और अमरीकियों ने इन्हें कहाँ कहाँ पर नुकसान पहुँचाया है और आज भी जब काबुल फेल कर चुका है तालिबान के पास, फिर भी अमेरिका हकानियों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। सबसे पहला मेंबर जो आजकल सबसे ज्यादा वायरल है वो है अनस हकानी। इसकी उम्र यूं समझ ले 27 साल है। इसकी पैदाइश 1994 है। अंकल इसके खलील हकानी है। वो आपको पता होगा जब काबुल फेल हुआ था तो अनस हकानी और खलील हकानी काबुल में थे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कि वो तालिबान की मेन स्ट्रीम बॉडी के साथ है, क्योंकि उस वक्त अफवाहें चल रही थी कि हकानी और तालिबान के दरमियान इख्तलाफात है। इसके भाई का नाम सिराजुद्दीन हकानी है और इनके वालिद का नाम जलालुद्दीन हकानी है। जलालुद्दीन हकानी वो है जो सोवियत यूनियन से लड़ चुका है, ये ज़हन में रहे। इस वक्त हकानी नेटवर्क की जो तमाम कमांड है वो सिराजुद्दीन हकानी के पास है और इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो अफगानिस्तान का है वो सिराजुद्दीन हकानी है और काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खलील हकानी के पास है, वो इसके चाचा हैं। बिल रोजियो एक जर्नलिस्ट है, अमेरिकन मिलिट्री जर्नलिस्ट है। उसका कहना था कि अनस हकानी वो वाहिद शख्स है जिसका अरब के साथ और वेस्टर्न ममालिक के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और ये प्रोपेगेंडा करता है, फंड रेज करता है और एम्बेसडर है हकानी नेटवर्क का पूरी दुनिया में। ये मानने की बात है कि हकानी नेटवर्क के पास सबसे ज्यादा बेस्ट और एक्यूरेट फाइटर्स थे। प्रिसाइज किलिंग में हकानी नेटवर्क को कोई भी नहीं पीछे छोड़ सकता और ये भी मानने की बात है हकानी नेटवर्क के ताल्लुकात आम तालिबान से ज्यादा हैं मशरकी वर्ल्ड के साथ, यूं समझ ले मिडिल ईस्ट की दुनिया के साथ। इसकी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हुई थी, वहां पर ये 7वीं जमात तक पढ़ा। उसके बाद इसकी सारी तालीम घर के अंदर हुई। इसकी वालिदा दो है, बहरहाल वालिदा एक है पर इसके वालिद की दो शादियां थी, उनमें से एक जो इसकी वालिदा है वो अरब खातून है, यूएई की अरब खातून। अनस हकानी को डिटेन किया गया था 12 नवंबर 2014 को बहरीन में, जब उसकी उम्र 20 साल थी। उसे बहरीन से कतर लाया गया, अमेरिकन ने उसे डिटेन किया था और 24 घंटों के इंटेरोगेशन के बाद उसे एनडीएस के हवाले कर दिया गया। एनडीएस आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसी थी अफगानिस्तान की। उसे बगराम एयरफील्ड पर कैप्चर करके रखा गया, उसे टॉर्चर किया गया और इसके थ्रू अफगान गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो तालिबान के साथ बातचीत करे और तालिबान को बातचीत पर मजबूर करे। हाउएवर सुहेल शाहीन डिनाई करते रहे कि ये कोई एक्टिव मेंबर है तालिबान का या हकानी नेटवर्क का। वो हमेशा से यही कहते रहे ये बस एक स्टूडेंट है जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता है, इसका मिलिट्री से और मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल वन वे और दी अदर एनडीएस कन्विंस ना हुई और इसे बगराम एयरफील्ड में कैप्चर करके रखा गया। तकरीबन 5 से 6 साल वो वहां पर रहा। जब दोहा एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के नतीजे में इसे आजाद कर दिया गया और जैसे ही इसे आजाद कर दिया गया ये दोहा में चला गया, वहां पर तालिबान की पॉलिटिकल कमीशन को ज्वाइन किया और निगोसिएशन में हिस्सा लेने लगा। इस कैद के दौरान इसे 2 बार सजाए मौत हुई, पर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब जो रिसेंट फुटेजेस जो अनस हकानी की आई है उनमें जब काबुल फेल हुआ तो सबसे पहले जो काबुल एयरपोर्ट को विजिट किया वो अनस हकानी ने विजिट किया। उसके बाद अनस हकानी ने वो साइट विजिट की जहां पर तकरीबन एक खुदकुश हमले में 8 अमरीकियों की जान गई थी और वो नौजवान जो था उसकी कब्र पर उसने हाजिरी दी और दुआ की। उसके बाद इसने अफगान नेशनल क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात की और सबसे जो तहलका खेज इसकी विजिट थी वो थी बगराम एयरबेस जहां पर इसे कैदी बनाकर रखा गया था और इसने वो प्रिजन जेल दिखाया जहां पर वो कैद था 20 साल की उम्र में और वो जंजीरें दिखाई जहां पर इसे ठंडी रातों में बाहर बांधा जाता था। थैंक यू वेरी मच।